की बात है तो की क्या सुझाव दिया आपने सर? नहीं वो मैं आपको क्यों बताऊंगा, आप लोगों को क्या निर्देश देखने को मिली है सर मैंने कहना था वो मैं अंदर बोलकर आ गया हूँ बस। रंधावा साहब क्या बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे? जस्टिस होएगा इस मामले के बिल्कुल जस्टिस होगा और कांग्रेस जो है इनकी परंपरा है हर आदमी को सुनते हैं और वर्कर के भी सुनेंगे। मैं आज नाराज हूँ बरगाड़ी के मुद्दे पर, मैं आज भी वहीं पर ही खड़ा हूँ। उस वेले आपां फेल कहांगे जिस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह इंसाफ ना दवा सके, इहनूं समय तो पहला नहीं किया जा सकता। नहीं मैं बीबा जी एक गल कहनी चाहुंदा, कोर्ट का फैसला तो 10 मिंटां च भी सुनाया जांदा आ, यह नहीं है समा तो बहुत है, हजे समा तो 2 दिन का भी काफ़ी होंगे ज कोर्ट के सिट बना के भेजते हैं और उन्होंने जो रिजल्ट आएगा मैनू उम्मीद है बाबे नानक से मैंने भरोसा है सच्चे पातशाह दोषियों को सजा देंगे जो निर्दोष है उन्होंने बिल्कुल दूर होगी। और ये कांग्रेस हाईकमांड जो भी आदेश करेगा सारे इनमें पालना करांगे और बड़े अच्छे माहौल के अंदर ये मीटिंग हुई है और आने वाले जेड़े 2022 का टीचा है 2022 का भविष्य है उदे वास्ते जड़ी है और चर्चावां हो रही हैं और उदे वास्ते किस तरह के जेड़े कोई बाकी टीचे ने वादे किहड़े अधूरे रह गए वो जेड़े पूरे होने वाले है उन्होंने उपर चर्चावां हुई हैं और उदे वास्ते 2022 अगे वधण वास्ते किस तरह के चैलेंज सामने आएंगे और जिस तरीके दे नाल बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर का फेस जड़ा वो दलित डिकलेयर कर दिता है और अकाली दल ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिकलेयर किया, उत्थे ही जड़ा आम आदमी पार्टी है उसने भी डिप्टी सीएम डिकलेयर किया है। कांग्रेस पार्टी मैं दसन लगे जी कांग्रेस पार्टी ने इस दे उपर गंभीरता दे नाल विचार करना शुरू कर दिता और आने वाले टाइम के उपर और क्योंकि कांग्रेस पार्टी जड़ी है वो खाली केंद्री नहीं कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर जे 2 बार दलितों देश के होम मिनिस्टर बनने का मौका दिता बूटा सिंह और सुशील कुमार शिंदे और उसके वास्ते कई स्टेटों के चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी दलित कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं और जितों तक पंजाब का सवाल है पंजाब च भी बड़ी जल्दी जी है वह दलितों वास्ते चंगी खबर सामने कई सारे ही उत्थे खड़े है कोई होर जगह पर खड़ा नहीं कोई भी और जितों तक सवाल इस गल का है कि जड़िया भी विचार है जड़ी भी तकलीफ है सारे की सांझी तकलीफ है और असी सारे गल कह रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि बरगाड़ी कांड है वो दोषियों को सजावा मिले, हर कोई चाहता है कि बाइबल कला कांड के जनरल डायर कौन उसका चेहरा सामने नंगा हो और ये वास्ते असी मंथन कर रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद है कि बरगाड़ी कांड का जो इशू है जल्दी छुट जाएगा। अलग तो अलग दे ऊपर इन्हां नाल मुलाकात होएगी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे नाल भी क्योंकि जो फैसला किया कि सारे MLA ने होनी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक MLA है और नवजोत सिंह सिद्धू भी एक MLA है और सारे ना मुलाकात हो रही है और 25-25 के बैच के नाल मुलाकात हो रही है और कमेटी इस तो इलावा भी अगर किसी बुलाना चाहेगी उत्थे जिते साडे मैंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी मुलाकात हो रही है जिहड़े प्रदेश कांग्रेस के एक्स प्रेजिडेंट है जिहड़े साडे रहे हुए उन्होंने भी मुलाकात हो रही है, कांग्रेस के जिहड़े जिहड़े एक्स मिनिस्टर से केंद्र च रहे या सीनियर लीडर है उन्होंने भी मुलाकात हो रही है और बड़ी जल्दी है चंगी चिंता करनी चाहिए और जोर लाना चाहिए। मैनू जरा चंगा लगा कि पार्टी किवें 2022 दी इलेक्शन जीतेगी ये तो अपने सुझाव दो मैं अपना सुझाव देखो सारे सवाल के जवाब सारे बंदे नहीं दे सकते सवाल जी
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ